हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूं त्रिशा। आज मैं आपको मेरी एक विंटर की बहुत ही फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये है बैंगन का भरता। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी इसको ऐसे बनाती है, जब भी मैं बनाती हूं मुझे ये मेरे बचपन में ले जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो भरता बैंगन लिया है, बीच में से इसको स्लिट कर दिया है और इसमें मैंने अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगा दिया है। इसको अभी मैं गैस में रोस्ट करूँगी। इसको हर तरफ से घुमा घुमा के रोस्ट करना है जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो इसके बीच में एक गार्लिक भी दे सकते हैं, इससे इसका स्मेल अच्छा आता है। और चाकू से मैं इसको चेक कर रही हूँ, जब चाकू अच्छी तरह से इसमें अंदर चले जाए तो इसका मतलब है ये हो गया है। तो देखिए ये पक गया है। अभी जो इसका जो पील, इसको मैं हटा दूंगी। ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा करके धीरे धीरे इसके पील को हटाकर अच्छे से मैश करके एक साइड में रख दूंगी। यहाँ पर ऑयल लिया है, यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के तेल से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पर क्यूमिन सीड दिया है मैंने, फिर जिंजर गार्लिक चॉप्ड देना है। थोड़ा सा ये पक जाए, थोड़ा सा लाइट इसका कलर चेंज हो, तो इसमें मैं चॉप्ड ऑनियन दे रही हूँ। ऑनियन को बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, थोड़ा सा ही पकाना है। थोड़ा सा जब इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें, तो उसके बाद मैंने टोमेटो ऐड कर दिया है। टोमेटो ऐड करके मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर ग्रीन चिलीज डाल ली हूँ चॉप करके, और फिर ड्राई मसाले डालूँगी। यह है हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। इसको थोड़े देर तक हम पकाएंगे जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। इसके बाद जो यहाँ पर रोस्टेड ब्रिंजल था, बैंगन को हमने रोस्ट कर रखा था, उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये जो बैंगन और मसाले को धीरे धीरे करके हम पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसको हमें चलाते रहना है जब तक कि ना सारा बैंगन अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाए। और आप देख सकते हैं जे ये अभी कढ़ाई से नहीं चिपक रहा है, कढ़ाई से अलग हो रहा है और सब एक साथ मिक्स हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर धनिया पत्ता ऐड करूँगी। ये हमारा बैंगन का भरता रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।